हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल नेहाज आयुर्वेदिक टिप्स पर आपका स्वागत है। ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से हाजमा ठीक रहता है। नंबर दो, ज़्यादा नंगे पाँव चलने से आपके तलों में ताकत मिलती है। नंबर तीन, अगर आप दिल को मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना सेब खाओ। नंबर चार, पैदल चलने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, कभी कमजोरी नहीं आती है। नंबर पाँच, केले और अंडे को कभी भी एक साथ नहीं खाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नंबर छः, जिन लोगों के मुंह में छाले रहते हों वो खाना खाने के बाद थोड़े से सौंफ चबाएं, इससे आराम मिलेगा। नंबर सात, पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, और जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में ब्लड आवश्यक मात्रा में बनेगा। नंबर आठ, काजू का सेवन करने से हमारी बॉडी को भरपूर एनर्जी मिलती है। हर रोज अगर आप 3 से 4 काजू का सेवन करेंगे तो इससे आपका शरीर पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। नंबर 9, जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो वो रोज सुबह और शाम अंगूर के रस को 2 से 3 चम्मच पिया करें, इससे भूलने की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 10, सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। एलोवेरा का रस पीने से पेट और आंतों की जलन को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 11, भोजन के अंत में पानी पीना उचित नहीं होता है, बल्कि 1-1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इससे पेट और कमर पर मोटापा नहीं चढ़ता है, बल्कि मोटापा हो तो वो भी कम हो जाता है। नंबर 12, यदि शरीर के किसी हिस्से में गैस के कारण दर्द हो रहा हो तो 1 ग्लास गर्म पानी पीने से गैस बाहर हो जाती है। नंबर 13, नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से सिर धोने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं। नंबर 14, सेब को छीलकर बारीक काटें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं, इससे सिर दर्द दूर हो जाएगा। नंबर 15, चाय की पत्ती को पानी में उबालकर इसे कंटेनर में रख लें और बालों को शैम्पू करने के बाद इसे 20 मिनट बालों में लगाकर रखें, फिर इन्हें धो लें, इससे बाल अच्छे और शाइनी होते हैं। नंबर 16, अगर चोट लग जाने की वजह से शरीर से लगातार खून निकल रहा हो तो बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी को पानी में डुबोकर खून निकलने वाली जगह पर रगड़ने से खून का निकलना बंद हो जाता है। नंबर 17, रोज सुबह खाली पेट 2 आंवले खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि आयुर्वेद में आंवले को आंखों के लिए सबसे बड़ी औषधि बताया गया है। आंवले का लगातार सेवन करने से आंखों की चमक बढ़ जाती है, और जिन लोगों की आंखें कमजोर होती हैं उनकी आंखें सामान्य हो जाती है। नंबर 18, हफ्ते में 1 बार पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट साफ रहता है। नंबर 19, कद्दू को काटकर आंखों पर मसलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 20, अगर सांस लेते समय दर्द महसूस हो तो यह पित्त की पथरी होने की निशानी है। नंबर 21, अगर आपके बच्चों की याददाश्त कमजोर हो और पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो रोजाना सुबह खाली पेट बच्चों को भीगे हुए बादाम खिलाएं, धीरे धीरे बच्चों का दिमाग तेज होने लगेगा। नंबर 22, फीके हुए भुने हुए चनों को खाने से भी दिमाग तेज होता है। नंबर 23, कहीं से चलकर आने पर तुरंत जल ना पिएं, हाथ पैरों को मत धोएं और ना ही स्नान करें, पसीना को सूख जाने दें, कम से कम 44 मिनट विश्राम कर लें,
फिर हाथ पैर धोकर कुल्ला करके पानी पिए। तेज गर्मी में थोड़ा गुड़ या मिश्री खाकर पानी पिए ताकि लू ना लग सके। नंबर 24, रात को सोते समय मुंह और हाथ पैरों को धोकर सोएं, नींद अच्छी आती है। नंबर 25, कच्चा प्याज खाने से माहवारी ठीक आती है और दर्द भी नहीं होता है। नंबर 26, रोटी खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है क्योंकि रोटी शरीर को ताकत देती है। नंबर 27, रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हाजमा खराब हो सकता है। नंबर 28, खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाता है। नंबर 29, गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इससे बाल कमजोर हो जाते हैं। नंबर 30, चाय को हमेशा ठंडा करके पिए, ज़्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर हो सकता है। नंबर 31, अगर पेट में गैस ज़्यादा बनती है तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। नंबर 32, अगर आपको चक्कर आने लगे तो एक छोटी इलायची को थोड़े से पानी के साथ सेवन करें। नंबर 33, कच्चा लहसुन खाने से दिल स्वस्थ और मजबूत रहता है। नंबर 34, मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर 35, पेट के बल सोने से शरीर का दबाव पीठ की रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। नंबर 36, दिन में 1 से 2 बार गुनगुना पानी पिए, इससे दांत मजबूत रहेंगे और चेहरे पर ग्लो आएगा। नंबर 37, अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती हो तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज को मिक्स करके खा लिया करें। नंबर 38, छिलके समेत आम खाने से बाँझपन की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 39, गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल जरूर करें, इसके सेवन से हमारे शरीर से कई बीमारियां दूर होती हैं। नंबर 40, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएं। नंबर 41, सिर में कड़वा तेल लगाने से जुए मर जाते हैं। नंबर 42, नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते हैं और खाज खुजली भी दूर हो जाती है। नंबर 43, चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं और दांतों में पायरिया भी हो सकता है। नंबर 44, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे दांतों में पायरिया लग सकता है। नंबर 45, बासी मुंह जानबूझकर खांसी करने से सीने का बलगम साफ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आप मेरे नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।